कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और एक यहाँ पे आने के बाद एक और चीज़ पता चली, ये शो नंबर वन पे चल रहा है। सो हे एवरीवन, स्वागत है जो आपके श्यांस के व्लॉग्स में। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आया हूँ अजूनी के सेट पे। ये अगर किसी को ना पता तो मैं बता दूं, स्टार भारत पे शो आ रहा है जो कि अभी नंबर 3 पे चल रहा है जहां तक मैंने अभी सुना था। तो मैं डायरेक्ट आ चुका हूँ सेट पे और हम हैं मेकअप रूम में। और आज राधे राधे सर का शूट है, उसमें बने वो गुरु जी। और इस शो में बहुत ही ओल्ड इज गोल्ड वाले एक्टर हैं, धीरज पंकज सर। पूरा नाम सर जी उनका? पंकज धीर सर, सॉरी माफ करना, गलती हो गई। तो मैं आपको मिलाने वाला हूँ हमारे राधे राधे सर से। पहले रेडी हो चुके हैं एकदम दोस्तों? मैं इसमें बना हूँ गुरुजी, बहुत ही एंग्री वाले। अगर कोई उनके खिलाफ गया तो फिर वो गुस्से में उनकी आंखें लाल पीली हो जाती है। ये उस तरह का रोल है, लेकिन मजा आ रहा है दोस्तों। तैयार हो गए हैं, हम देख रहे हैं आप गेटअप के साथ, और बस इसके बाद सीधा सेट पर। एक्चुअल अपमान किया है उसने हमारा। अजूनी लो गुरुजी, रुक अजूनी को शॉक क्रैश। बॉक्स लो गया, तुझे लगा तो कई काम सबको बता दिया। गुरुजी लुक एट हर टॉरे सौभाग्यवती हो। और गुरुजी अब बोला आपने, सजा देने वाले हम कौन होते हैं? सजा तो ये खुद दे रही है अपने पति को। सजा तो उसे दी जाती है जिसे स्वयं अपनी गलती का एहसास हो, लेकिन अगर जिसे अपनी गलती का एहसास ही ना हो। बेटी पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी परंपराओं पर उंगली उठाना अभी भी It don't matter where we go, it don't matter where we stay tonight, 'cause when I'm with you, yeah, I know everything will be alright. It don't matter what we say, it don't matter how we make things right, 'cause when ये तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे सभी शिष्यों में एक तुम्हारा परिवार सबसे अधिक, लेकिन उसका कारण तुम्हारी श्रद्धा नहीं है बल्कि तुम अपने कर्तव्यों का निर्वाह बहुत अच्छे तरीके से करते हो। लेकिन लगता है कि अब तुम्हारा अपने परिवार पर दबदबा खत्म हो गया, उसका अंत हो गया। पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी परंपराओं पर उंगली उठाना अच्छे संस्कारों का लक्षण नहीं होता। भाई बात समझ में? सुन रहे गुरु जी, ज्ञान देवी आपने दो पढ़ी थी। तुझे गुरु महाराज से माफी मांगनी है।
भी पैर पड़ती जाने दे रविंदर। अरे ये क्या क्षमा मांगेगी, इसके आंखों पर तो खुद शिक्षा की पट्टी बंधी हुई है। बेटी तुम पढ़ी लिखी हो, अच्छी बात है, लेकिन अपनी परंपराओं पर उंगली उठाना, ये संस्कारों, ये अच्छे संस्कारों की बात नहीं है। कुछ आ रहा है समझ में? तो फाइनली ये वाला सीन हो चुका है सर का, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को, तो मज़ा आया उनको देख के सर को, पंकज सर को, और आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट किया करो, कमेंट नहीं करते आए आप लोग। सो अभी अजुनी मैम आई है बगल वाले रूम में, तो अभी चलते हो उनसे मिलेंगे। तो वैसे मैं आप लोग को मिलाने वाला हूँ अजुनी शो की मेन आयुषी खुराना जी से, यानी कि वो शो की अजुनी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और एक यहाँ पे आने के बाद एक और चीज़ पता चली, ये शो नंबर वन पे चल रहा है। यस, ये स्टार भारत पे नंबर वन पे चल रहा है, काफ़ी टाइम से हमने ये मेंटेन करके रखा है और अभी भी नंबर वन है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे जो आप लोग को देखते हैं ये लोग? मैं बस यही कहना चाहूँगी, सब लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, आप लोगों ने मेरी और शिव की जोड़ी को बहुत पसंद किया है, राजू अजुनी को बहुत पसंद किया है, और बस ऐसे ही देखते रहिए। और हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आज तो गुरु जी भी हैं हमारे साथ, तो आप बस ऐसे ही पसंद करते रहिए और देखते रहिए। बिल्कुल पसंद करते रहिए, देखते रहिए, और ये श्रेयांश है इनको लाइक करते रहिए। yes. और मेरे लाइक एंड सब्सक्राइब। या थैंक यू सो मच। सो फाइनली टेक खत्म हो चुका है, हम अजुनी जी से मिल चुके हैं और सर का हमारे पैकअप हो चुका है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हम आए हैं, 3 घंटे में हमारा पैकअप हो गया है, तो कैसा लग रहा है सर? अच्छा तो लग ही रहा है, मजा बढ़िया, लंच हो गया और खाना वाना खा के अब घर की तरफ प्रस्थान। मजेदार शूट रहा, काम रहा, काम के बाद भोजन रहा, लंच किया और अब घर की तरफ प्रस्थान। यस, राधे राधे। तो अब चलते हैं गाड़ी की तरफ, गाड़ी में बैठते हैं और अपनी चुक चुक गाड़ी से चलते हैं। क्या बात है। तो हम लोग बाहर तो आ गए, लेकिन बाहर हो रही है बारिश, मस्त बारिश हो रही है, लाइन में लगे हुए हैं क्योंकि गाड़ी में तेल खत्म हो चुका है, बाहर निकल नहीं सकते, बारिश हो रही है, तो अंदर ही बैठ के इंतजार करते हैं। सो फाइनली गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं, मैं तो नहावा के दम मस्त रेडी हो चुका हूं क्योंकि मुझे अभी कहीं निकलना है। सर भी नहा चुके हैं, बस रेडी नहीं हुए तो सर को यहीं रहना है। तो आज हम लोग मिले आयुषी खुराना से जो कि अजुनी की लीड हैं, और पंकज धीर सर से भी मिले, बट उनके साथ वीडियो नहीं बना पाए, बस आप लोगों ने BTS में देख ही लिया होगा। कल भी शूट है, बट कल मुझे कहीं और जाना है, वरना जरूर जाके आप लोग को मिला था। तो इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। सब्सक्राइब करो यार, और पीछे बहुत शोर हो रहा तो उसको अवॉइड करो। बिग थैंक यू फॉर बींग हियर।